हेलो लर्नर्स, दिस इज निकिता। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक दुनिया के टॉप 20 फास्टेस्ट सिटीज में से 17 इंडियन सिटीज होंगी। मगर एक सेकेंड, क्या ये रिपोर्ट सच हो पाएगी? क्योंकि आज इन्हीं इंडियन सिटीज की हालत कुछ ऐसी है। पर वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने के बावजूद हाल ही में बने फॉरेन सिटीज इस तरह से प्लान्ड और इंडियन सिटीज इस तरह से अनप्लान्ड क्यों है, जिनकी वजह से इंडिया को लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। जैसे 2015 में बैडली प्लान्ड सिटीज के चलते चेन्नई में आए फ्लड की वजह से जीडीपी में पूरे 3% कंट्रीब्यूट करने वाले ऑफिसेज बंद हुए थे, यानी उतने परसेंटेज का नुकसान हुआ था। फ्लड में 500 लोगों की जान गई थी और 20 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। इंडिया की इन बैडली प्लान्ड सिटीज का जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज, जिनके 70 साल पुराने आर्किटेक्चरल प्रेस्क्रिप्शंस को इंडियंस आज भी फॉलो करते हैं, या फिर इमिग्रेंट्स, क्योंकि हर साल 7.8 करोड़ लोग गांव से शहर आते हैं और इनमें से ज्यादातर इलीगली और कहीं पे भी घर बांधकर बस जाते हैं, या फिर इस पूरी गड़बड़ के पीछे हमारे देश की सरकार है जो गांव में जॉब्स और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने में पूरी तरह से कामयाबी नहीं हो पाई है। आफ्टर ऑल, व्हाई आर इंडियन सिटीज सो बैडली प्लान्ड? लेट्स फाइंड आउट। वेल, हमारे इंडियन सिटीज इतनी बुरी तरह से प्लान क्यों है, इसके पीछे 7 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से फर्स्ट रीजन है रूरल टू अर्बन डेवलपमेंट। दुनिया भर की प्लान सिटीज जैसे कि लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या दुबई, आपको इन सब में एक चीज कॉमन नजर आएगी, इन सिटीज का रीसेंट डेवलपमेंट। पर जहां इन रीसेंटली डेवलप्ड शहरों को बनकर 500 साल हुए हैं, वही इंडिया के हर शहर का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सो अब शायद इंडियन सिटीज की प्लानिंग कई सालों पहले से शुरू हो चुकी थी और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था तब उतने साल पहले कि कल को उनकी सड़कों पर बस और ट्रक्स चलने वाले। एंड ऑब्वियसली उसके बाद कभी वो इस लोड को बेयर करने के लिए अपडेट ही नहीं किए गए उस लेवल तक। इसीलिए पुराने जमाने में लंबे चौड़े रस्तों के बजाय पतली गलियों वाले रस्ते बनाए गए थे, जिसके थ्रू उस टाइम चलते हुए घोड़ा गाड़ी, पालकी वगैरह आसानी से जा सकते थे। और इसके एग्जांपल्स आपको शहरों के जूने पार्ट्स में दिखेंगे भी, जैसे कि ओल्ड दिल्ली, वाराणसी का ओल्ड एरिया और ओल्ड टाउन कोलकाता का। रीजन नंबर टू, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन हर घंटे 2,403 लोगों से और हर साल 1% के रेट से बढ़ रही है, बट यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की यही ग्रोथ रेट सिर्फ 0.4%, 0.6% और 0.2% ही है। अब इससे प्रॉब्लम यह आता है कि पॉपुलेशन के बढ़ते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ती है और ऑब्वियसली इस डिमांड को पूरा करने के लिए अनप्लान्ड और इलीगल घर बनने लगते हैं, और तेजी से होने वाली इस ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्लर्नर्स, रूरल एरियाज से सिटीज की तरफ माइग्रेट करने वाले सिटीजन के माइग्रेशन का एक मेजर रीजन अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना भी होता है। और अगर हम यूनेस्को का लेटेस्ट डेटा देखें तो 888 मिलियन बच्चे ग्लोबली स्कूल्स के बंद और पार्शियल शुरू होने से इफेक्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा वो भी। यानी सिटीज और रूरल दोनों ही जगह स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स स्कूल की तरह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे थे और समझ भी नहीं पा रहे थे। एंड लर्नर्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टूडेंट्स को डिजिटली एजुकेट करने के लिए अनअकैडमी ऐप लाया है एक बेस्ट सोल्यूशन, जिसमें दो मेन फीचर्स है। पहला, स्पेशल क्लास, जहां पे स्टूडेंट्स को लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स के साथ अवेलेबल मिलते हैं। और दूसरा फीचर है आस्क अ डाउट, जिसमें स्टूडेंट्स को 24/7 स्कैन इमेज के थ्रू अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, एंड मोर देन 1 लाख क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स को इंस्टेंटली मिल जाते हैं। बट अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स को इंस्टेंटली नहीं मिलता तो उसका वीडियो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर आ जाता है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी एप्लीकेशन एग्जाम्स के पहले रिविजन क्लासेस और मॉक टेस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, और इस एप्लीकेशन को आप इंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करके मेरा स्पेशल कोड FLY10 को इस्तेमाल करना है, जिससे बेसिकली ऐप के सारे फीचर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो रुके क्या हो, इमीडिएटली ऐप को डाउनलोड करके अपने स्टडीज और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप विदाउट अ डाउट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लर्नर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रीजन नंबर 3, इंडियन लॉज और लैक ऑफ लॉज, जिसके अंदर सबसे पहले तो आता है नो क्लियर लॉज। इंडिया में जोनल यानी कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड लॉज, रोड डेवलपमेंट लॉज और FSI लॉज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉज क्लियर ही नहीं है, जिसके चलते उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। मगर इनमें से भी FSI लॉज बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जो जाने से पहले ये जानते हैं कि FSI आखिर होता क्या है। FSI मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो ये डिसाइड करता है कि एक बिल्डिंग कितने स्पेस में बननी चाहिए, ताकि बेसिकली दो
बिल्डिंग्स के बीच डिस्टेंस हो और कंजेशन का प्रॉब्लम ना आए। मगर ये फ्लो स्पेस इंडेक्स इंडिया में बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में मुंबई में एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ 5 स्क्वायर मीटर पर कैपिटा FSI ही था, पर वहीं पे मैनहट्टन में पर फैमिली 55 स्क्वायर मीटर पर कैपिटा था, यानी कि पूरे 10 गुना ज्यादा FSI। अब लैक ऑफ लॉस में नेक्स्ट आते हैं नॉन ऑटोनॉमस अर्बन लोकल बॉडीज। इंडिया के 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन सिटीज के म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के साथ उन्हें अर्बन प्लानिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि ULBs को ये फंक्शन सौंपे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने उन फंक्शंस पर फैसले लेने का जो हक है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और अब जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने सारे डेवलपमेंट संभालने की जिम्मेदारी होती है, उनके प्रायोरिटी लिस्ट में अर्बन प्लानिंग आता ही नहीं है। सो अब ऐसे में म्युनिसिपैलिटीज चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। रीजन नंबर 4, इलीगल एंक्रोचमेंट एंड स्लम्स। इंडिया में एज वी ऑल नो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ही कहीं पर भी किधर भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, जिसका पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल है स्लम्स। मुंबई में साल 2009 में 170 मिलियन लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, जहां वो ज्यादातर अपने घर को बस कच्चे पक्के लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या फिर कई बार इवन कॉन्क्रीट से बनाकर खड़े कर देते हैं। आज इंडिया की 65.49 मिलियन लोग 13.7 मिलियन स्लम्स में रह रहे हैं, जिसकी वजह से 65% ऑफ इंडियन सिटीज से लगकर स्लम्स ही बने हुए हैं। अब हमारी राजधानी दिल्ली में ही हुए 2012 के सर्वे से ये पता चलता है कि इंडिया की 6,343 स्लम्स सिर्फ दिल्ली में ही थे, वहीं मुंबई में 2009 में 170 मिलियन लोग स्लम्स में रहते थे। और बाय द वे फ्लर्नर्स, मुंबई में स्लम्स की गिनती को बढ़ाने के पीछे असल मायने में किसी और का नहीं बल्कि माल माफिया का ही बड़ा हाथ है, जिन्होंने इलीगल तरीके से लिए हुए पब्लिक एरिया को लोगों के बीच में लीज पर स्लम्स बनाने और रहने के लिए दे दिया था। बट यार उस पर तो एक अलग ही वीडियो बन सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट यानी जबरदस्ती कोई चीज को हड़प लेना, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको इंडिया के किसी भी फुटपाथ पर इलीगली कब्जा करके खड़ी दुकानों को देखकर ही मिल जाएगा। पर इंडिया में स्लम्स और एंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेशन। 2001 के सेंसेस में 1.02 बिलियन लोगों में से 52 मिलियन लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट हुए थे, वहीं पर सेंसेस 2011 में इनकी गिनती 450 मिलियन पर पहुंच गई थी, जिसमें से भी 78 मिलियन ने इनलैंड माइग्रेशन किया था। बट अब ऑब्वियसली मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अफोर्डेबल घर ना होने की वजह से ये लोग एंक्रोचमेंट और स्लम डेवलपमेंट करके ही शहरों में बसते हैं, एंड इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से ये साइकिल चलता ही रहता है। रीजन नंबर 5, पुअर इकोनॉमी। सन 1947 में इंडिया की इकोनॉमी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, पर वहीं उस साल अमेरिका की इकोनॉमी 17 लाख करोड़ रुपए थी। इसीलिए करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश के पास कम इकोनॉमी होने के कारण हमारे देश की पहली प्रायोरिटी देश में प्लान सिटीज को खड़ा करना नहीं था, और आज भी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन ही है। ये भी एक वजह है कि इंडिया प्लान सिटीज के प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता है। अब पुअर इकोनॉमी का जो दूसरा रीजन है वो है अर्बन लोकल बॉडीज की फंडिंग, जो उन्हें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई प्रॉपर्टी टैक्स के एक हिस्से से मिलती है। पर जहां रशिया को 1.2% से लेकर फ्रांस को 4.3% जितना प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, वहीं पे इंडिया को सिर्फ 0.48% ही मिलता है। और इस कम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में से भी स्टेट गवर्नमेंट ULB और बाकी फंक्शनिंग बॉडीज को बजट एलोकेट करती है। तो बेसिकली अगर सिटीज प्लानिंग अच्छी करनी है तो ULB और स्टेट गवर्नमेंट से आने वाले एलोकेटेड बजट को बढ़ाना होगा। रीजन नंबर 6, नेवर रिकंस्ट्रक्टेड। बर्लिन, वॉर्सॉ, लंदन, पेरिस, टोक्यो, हिरोशिमा, यानी कि बेसिकली दुनिया के सारे टॉप प्लान सिटीज, ये सारे ही सिटीज पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद रिकंस्ट्रक्ट किए गए थे। एग्जाम्पल के लिए सन 1666 में ग्रेट फायर के चलते और फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान लंदन पूरी तरह से तबाह हुआ था, और इस बर्बादी के बाद लंदन को रीप्लान करके फिर से खड़ा किया गया था। वरना इससे पहले तो लंदन में भी पतली गलियां, खुले नाले और बहुत से अनप्लान कंस्ट्रक्शन थे। बट फॉर्चुनेटली इंडिया के शहरों पर ऐसी मुसीबत अब तक आई ही नहीं है। लेकिन इसी वजह से इंडिया में आज से सदियों पहले बनाए हुए सिटीज में ही हम घर पर घर ऐड किए जा रहे हैं। रीजन नंबर 7, ब्रिटिश थियोरीज। ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर सन 1947 में चले गए थे, पर आज 70 सालों बाद भी इंडियन आर्किटेक्ट्स कॉलोनियल टाइम के रूलर्स और थियोरीज को फॉलो करके अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में लोग वास्तु और स्पेस के हिसाब से घर लेना पसंद करते हैं। अब ऐसे रिजिड कल्चर और ट्रेडिशन में अगर हम इस दौरान वेस्टर्न थियोरीज को अप्लाई करते हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? और अब क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात छिड़ी चुकी है तो इंडिया की अनप्लान सिटीज की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है वो भी देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ओवरक्राउडिंग।
एग्जाम्पल नंबर वन, मुंबई में पर 1000 पॉपुलेशन सिर्फ 1/6 एकड़ की जगह है, जबकि मास्टर प्लान ऑफ ग्रेटर मुंबई के मुताबिक 4 एकड़ स्टैंडर्ड जगह होती है। एग्जाम्पल नंबर टू, ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 25 लोगों के रहने की ही जगह होती है, पर दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर 11,312 लोग रहते हैं, जिस वजह से दिल्ली इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला शहर हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर टू, नो प्रॉपर फैसिलिटीज। एग्जाम्पल नंबर वन, वाटर। सरकारिया कमेटी के मुताबिक 5 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में हर दिन पर हेड लोगों को 204 लीटर जितना पानी सप्लाई होना चाहिए, लेकिन मुंबई एंड दिल्ली जैसे शहर पर हेड सिर्फ 20 से 40 लीटर जितना पानी ही प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से बाकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आसपास के गांवों से पानी लाना पड़ता है। एग्जांपल नंबर टू, सुवेजेस। इंडिया में सिर्फ 35-40% लोगों को ही सुवेज सिस्टम की फैसिलिटी मिलती है, और कई बार इंडिया के सुवेज और वाटर पाइपलाइंस के आसपास होने की वजह से आपस में हुए लीकेज के चलते वाटर डिजीजेस स्प्रेड हो जाती है, जो काफी आम बात है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 15-25% है, और अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा रीजन है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, क्योंकि जिस तेजी से लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, इसीलिए इमिग्रेंट्स के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है। एंड फाइनली इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से होता है प्रॉब्लम नंबर फोर, फ्लडिंग या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। चेन्नई में डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नॉट सो गुड सुविधा सिस्टम, और सबसे ज्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन यानी अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण हर साल फ्लडिंग होती रहती है। उत्तराखंड का भी सेम हाल, 2013 में आई बाढ़ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वो बाढ़ भी इंसानों के अनप्लान्ड डेवलपमेंट के वजह से ही आई थी। लेकिन प्रणस एक मिनट, इंडिया के पास अब भी मौका है, जिसका इंडिया ने फायदा उठाकर जयपुर, नवी मुंबई और नोएडा जैसे अनप्लान्ड सिटीज को प्लान्ड सिटीज में बदला भी है। लेकिन कैसे? सो वेल, गवर्नमेंट स्कीम्स को फॉर्म कर, हाँ मतलब एटलीस्ट उन पर अब बात किया जा रहा है और गवर्नमेंट अटेंशन दिया जा रहा है। जैसे कि स्कीम नंबर वन, स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन के तहत इंडिया के सिटीज के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से लेकर सिटीज को हेल्थ केयर और एजुकेशन को इम्प्रूव करना और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से सिटी में सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना है। स्कीम नंबर टू, अमृत। इस स्कीम के अंडर सिटीज के वाटर सप्लाई कनेक्शन, सुवेज नेटवर्क, ड्रेनेज एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सबको इम्प्रूव किया जाएगा, और इस स्कीम के मुताबिक हर शहर में हर साल एक पार्क बनना मैंडेटरी होगा। बट अब फ्लोनर्स, मेरा सवाल आपसे है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ये स्कीम्स इंडिया की अनप्लान सिटीज का चेहरा बदल पाएगी? वेल नहीं, इंडिया की अनप्लान सिटीज की जिम्मेदार आप और मैं भी हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि इंडिया 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, पर ये भी उतना ही सच है कि दुनिया भर में कई ऐसे ओल्ड सिटीज है जो इंडिया के मुकाबले इकोनॉमिकली पुअर होने के बावजूद हमसे बेहतर है इंफ्रास्ट्रक्चरली। क्यों? वेल फॉर स्टार्टर्स, वहाँ के लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो एक बहुत बड़ी बात हो गई, लेट्स टॉक अबाउट डर्टीनेस। इंडियन सिटीज में इंडियन लोग डर्टीनेस को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। आप मुझे खुद बताओ, आपका शहर कितना क्लीन है? अब क्या इस बात की भी जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट ही होगी? नहीं, वेल एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया की डर्टीनेस के पीछे इंडियंस का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और हमने इस इशू पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारी भी देश के प्रति मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पब्लिक एरियाज में एंक्रोचमेंट ना करें और रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में मदद करें। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके जो भी ओपिनियन है हमेशा नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। ये वीडियो एक सोशल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, ताकि हम सबको एज इंडियंस ये समझे कि हमारी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारे देश के प्रति। अगर आपको भी ये मैसेज सारे इंडियंस में वायरल करना है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही फ्लोन के एंटरटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लो फ्लोन को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आप फ्लोन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।